अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। आज मैं आप लोगों से BS का पास्ट पेपर शेयर करने लगा हूँ। 1919 कोड है ये, और पास्ट पेपर शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, पेपर किस किस्म का आता है, इसमें खाली जगह आती नहीं आती है, मुख्तसर सवाल आते नहीं आते। तो इसमें सारे लॉन्ग सवाल आएंगे और 5 सवाल आपने हल करने होंगे। 8 सवाल टोटल पेपर में होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा और पासिंग मार्क्स इसके 50 होंगे। उसके बाद फिर पेपर हल करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी पास्ट पेपर शेयर किए हैं मैंने अपनी हर वीडियो में बताया कि आप लोगों ने पेपर कैसे हल करना है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ले सको। आप तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने हैशे ज़रूर लगाने हैं, अपने पैमाना फूटा साथ लाजमी लेके जाना है, मार्कर के साथ आपने हैशे लगाने हैं। उसके बाद एक सवाल का जो आप कम से कम भी 3 पेज पर, और अगर इससे थोड़ा कम करते हो तो 2.5 पेज कर लो। उसके बाद फिर 3 पेज से ज़्यादा आप लोगों ने जो है एक सवाल का जवाब नहीं देना है आपने, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। काफ़ी लड़के होते हैं जो कि तकरीबन एक सवाल का जवाब 5 से 6 पेज पर, फिर अगले सवाल का जो आप 5 पेज पर, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि नंबर ज़्यादा उन्हीं के आते हैं जो 10 से 11 पेज जो है ना, बस ये इतने पेज, क्योंकि उनका वो खूबसूरत तरीके से लिखते हैं ना, फिर वो इसलिए उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने हर क्वेश्चन की 5 से 6 हेडिंग देनी है, सुर्खियाँ उसकी देनी है अपने मार्कर के साथ, और आपने लाइनें छोड़ छोड़ के बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ना ज़्यादा छोटा छोटा लिखना है, नॉर्मल साइज़ का लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद फिर ये पेपर आप लोग सामने देख सकते हो आप। उसके बाद फिर मैं दूसरा पेपर आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये आपने पेपर रख के आपने ये ज़रूर देखना है कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ज़्यादा रेशियो कौन सी यूनिट से है। ज़्यादातर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या तो 1 यूनिट से लेकर 7-8 यूनिट तक ज़्यादा रेशियो रखती है, जो कि फुल बुक है, लेकिन ये तो हाफ बुक है, ये तो इसकी 2 असाइनमेंटें होती हैं, तो इसका जो ज़्यादा रेशियो होगा ना वो 1 से लेकर 6-7 यूनिट तक होगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी नोट करना है आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद मैं दूसरा पेपर आप लोगों से शेयर कर देता हूँ मैं। जी भाई, ये 2021 खिजा का पेपर है, वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया था वो ओवरसीज़ का पेपर था, ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका, लेकिन चीज़ एक ही है, सवाल बस ऊपर नीचे हो जाते हैं लेकिन चीज़ एक ही है। उसके बाद इसके मैं कुछ सवालात भी आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। फाले मुजारा के बुनियादी सरफी कवाद तहरीर करें। उसके बाद फाल माजी के बुनियादी सिर्फ कवायद तहरीर करें। फाले अमर मारूफ की मुकम्मल गर्दान मा तर्जमा लिखें। फाल नाइमी मारूफ बनाने के तरीके को तफसील से लिखें। उसके बाद सलासी मजीद फिया के कितने अबवाब तफसील से लिखें। फाले अमर और इसकी इकसाम तहरीर करें। ये अरबी ग्रामर का पेपर है, थोड़ा मुश्किल है इसकी, उर्दू लड़कों को जहर सी बात है मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि बचपन से उर्दू बोलते हैं, अरे एकदम ये अरबी सामने आ जाए, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अगर किसी को इधर थोड़ी सी मुश्किल आती पढ़ने में तो आपने की बुक ले लेनी है आप लोगों ने, और फिर की बुक से थोड़ा ये होता है कि उधर आपको वो थोड़ा मुख्तसर जो ना देते हैं और थोड़ा इजी उर्दू में देते हैं वो, तो वो आप लोगों के लिए बेस्टर रहेगा अगर आप लोगों के पास की बुक हो तो। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह BS का ही मुताला पाकिस्तान का पेपर भी शेयर करूँगा मैं। मैंने 417 का पेपर और अहम पॉइंट तो बताए थे, लेकिन उसके पेपर में शेयर कर दूँगा अहम पॉइंट, आपने फिर वो 417 वाली वीडियो से ही देख लेने हैं, क्योंकि चीज़ एक ही है, बस सवाल ऊपर नीचे हैं। ये वो भी मुताला पाकिस्तान है, वो भी मुताला पाकिस्तान है, वो BA की मुताला पाकिस्तान है और ये BS की मुताला पाकिस्तान होगी। तो आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।